नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चौरसिया। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। आज हम यहां पढ़ने वाले हैं सिलेबस के आधार पर टॉपिक नंबर 6, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। और फ्रेंड्स, मैंने आपने सीटेट और यूपी टेट के लिए अनअकैडमी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत ही अच्छा कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें 10 वीडियो है, वो आप जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पे 30 MCQ साथ मिल जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर आपको। तो पहला जो है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, जल्दी से आप इन ऑप्शन को रीड कर लीजिए ताकि मैं आपको राइट आंसर पर रख लूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड। क्यों होगा? क्योंकि अगर आपने डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो देखा होगा तो जरूर आपको इसका रीजन पता होगा। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होती है प्रगतिशील शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 लूंगा मैं। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, जल्दी से रीड कर लीजिए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन में दिए हुए हैं। और जल्दी वीडियो लग रहा है तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा 2, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। कहना चाहिए कि आप प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में अगर आप देखें समान शैक्षिक अवसर, इसका क्या मतलब है? तो बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो वो आसानी से ले सके और भविष्य में वो शिक्षा कहीं ना कहीं उसको काम आ सके, एक ऐसी शिक्षा पर ये बल देते हैं। अगर हम देखें तीसरा क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो आप एग्जैक्ट आंसर तुरंत दे दोगे। तो अभी सभी को पता है कि जो अमेरिका के निवासी थे जॉन डीवी, तो जॉन डीवी जी ने समर्थन किया है जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसका। आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 4, जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय का उदाहरण है कौन सा है? फैक्ट्री विद्यालय, दूसरा प्रगति विद्यालय, तीसरा पब्लिक विद्यालय, चौथा सामान्य विद्यालय। तो चौथे का जो आंसर होगा वो होगा प्रगतिशील विद्यालय, जो जॉन डीवी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय का एक उदाहरण है। वो क्या है? प्रगतिशील विद्यालय। रिमेंबर दैट कर लीजिए, नोट डाउन भी कर लिया करो या शॉट भी ले लिया करो, आप नोट्स बनाते रहा करो, स्क्रीन शॉट से भी बन जाते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग 5th वाले क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर होगा 4th वाला। इसके ऊपर भी कल वीडियो बना हुआ था, वो जरूर आप देखें। उचित सरकारी दाखिले उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को निश्चित करेगी, ठीक है? क्योंकि जो वहाँ पे सरकार है वो क्या करेगी, जो बच्चों का एडमिशन हो रहा है कि नहीं, बच्चे उपस्थिति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या प्रारंभिक शिक्षा पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारा जो सुनिश्चित करने का कार्य था वो किसका था? सरकारी का था। ये कहता है जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। और आगे हम चलें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष में तो किस तरह का वातावरण होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अनुसार अगर मैं राइट आंसर देखूँ तो वो होगा फर्स्ट, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। आयु के अनुसार क्या है? अधिक समझाती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कम डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ, क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसका डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना था और इस वीडियो का एक मॉक टेस्ट आपको देना था, वो भी सिलेबस के आधार पर टॉपिक नंबर 6 का। समझ में आया होगा आई थिंक आपको। क्वेश्चन नंबर 7 लूंगा मैं, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? तो बताइए, यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ था, इसमें कौन सा कारक इसे आधार माना गया है, बेस माना गया है? 7वें नंबर का क्वेश्चन, तो वो माना गया है आपका 3रे नंबर का राइट आंसर होगा, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये बाल केंद्रित शिक्षा के लिए एक आधार कारक माना गया है। चलिए आगे हम ले लेंगे, यहाँ पे जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य ही है या बच्चे को उत्तरों का सही तरीके से याद नहीं किया गया है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए या व्यवस्था फेल हो गई है, तो क्या मानते हैं आप लोग? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा व्यवस्था फेल हो गई है, ए राइट आंसर होगा यहाँ पर 8th का।
तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रेड कलर का बटन दबाकर, तो प्लीज उस रेड कलर के बटन को दबा दीजिए और साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल आइकन दिखाई दे रहा हो उस घंटे का साइन भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको रात 9 बजे लाइव क्लासेस आप जो होती है सीटेट और यूपी टेट की तैयारी के लिए, आज एक अच्छी तैयारी के लिए, एक बेस्ट तैयारी के लिए हम कह सकते हैं, तो वो आपको अटेंड करने को मिले और आपको उसका लाभ मिले, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो उसी के लिए आपको ऐसा करना होगा। अगर हम यहाँ देखें 10वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, तो बताइए यहाँ पे कौन सी विशेषता है प्रगतिशील शिक्षा की। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था का लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं के अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर आपको राइट आंसर मिल जाता है पहला, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन रख लेते हैं आपको 11 नंबर का, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता क्या सीखते हैं, व्यक्तित्व दोनों के रूप में सीखते हैं, मुख्य रूप से शिक्षक के रूप में, व्यक्तित्व रूप से या समूह के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको आंसर चाहूंगा, जल्दी से आप लोग आंसर लिखे और लास्ट में सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखेंगे कि सर हमारा जो 26 सही हुए, 25 सही हुए, तो ये आप लोग को लिखना है जरूर से। ओके आगे हम चलें, क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानते हैं। देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात हो रही है जहाँ छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा इस बात का, छोटे बच्चे एक तो समझते नहीं है जल्दी से पहली बात, और दूसरी बात हम लें तो वो ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं जिनका टॉपिक से संबंध ही नहीं होता है, उनके क्वेश्चन भी बहुत ऑड होते हैं, तो ऐसे में एक शिक्षक जो है उसे धैर्य से काम लेना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए, उसके अंदर धीरज होना चाहिए, तब वह प्राथमिक शिक्षक में पढ़ाने के काबिल होता है। आगे हम देखें, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। ए, बालक का सर्वगुण विकास पर जोर देना, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा देती है, ठीक है, बालक के को मनोवैज्ञानिक समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, तो बताइए आप यहाँ पे कौन सा नहीं है। 13वें नंबर का क्वेश्चन में आपको राइट आंसर पर रख लेता हूँ, वो होगा तीसरा, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ये कहीं तक जो एक बाल केंद्रित शिक्षा है उसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला मैं रख लूँ आपको 14वें नंबर के क्वेश्चन में, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर जोर दिया जा रहा है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए, क्या बालक के आर्थिक स्तर पर, दूसरा बालक के सामाजिक स्तर पर, तीसरा बालक की इच्छा और रुचि पर, चौथा बालक की मूल प्रवृत्ति प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो 14वें नंबर का मैं क्वेश्चन देखूं तो उसका राइट आंसर हो जाता है 4th वाला, राइट आंसर होगा आप लोग का भी आई थिंक यही हो, बालक की मूल प्रवृत्ति प्रेरणा और संवेगों पर। इज दैट क्लियर? 25वें नंबर का क्वेश्चन हम लेंगे, 15वें नंबर का, बालक केंद्रित शिक्षा की समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व को कहाँ तक विकास कर पाता है, दूसरा शिक्षक कितना ज्ञानी है, आकर्षक है या गुणयुक्त है, तीसरा शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव दर्शा पाने में सक्षम है, और चौथा है शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक आम तौर पे आप किसे महत्व देंगे, ठीक है, तो बता दूं आपको जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है ये कहीं तक जो होता है बच्चों के सर्वगुण विकास में भाग लेता है या सर्वगुण विकास करने में सहायक है, तो इसके अनुसार अगर आप देखें तो पहला जो होगा वो सही विकल्प होगा। और जिन भी बच्चों को इसका PDF फ्री में चाहिए वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया हुआ है, हमारा एक चैनल है अदर चैनल टेलीग्राम में एजुकेशन फॉर यू, या फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, दोनों से आप जुड़ेंगे। साथ ही साथ में एक मेरा दूसरा चैनल है इजी है मैथ्स,
ठीक है, पूरी स्पेलिंग लिखना है ई एस वाई ईजी एच ए आई और एम ए टी एच। तो उसके बाद आप सर्च करेंगे तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां मैथ्स के भी अच्छे अच्छे वीडियोस में डालते रहता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने अब तक क्वेश्चन रीड कर ही लिया होगा अभी तक, क्वेश्चन नंबर 16। फिर भी एक बार, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो वो रखा जाता है यहाँ पर, इनमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। जो शिक्षण विधियाँ हैं वो कहीं तक क्या हो, व्यवहारिक हो, ठीक है, आपकी डेली लाइफ में काम आए, डेली लाइफ से जुड़ी हो कहना चाहिए, और बच्चों को रुचि भी आए। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में अनुशासनहीनता के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? 17वें नंबर का क्वेश्चन लूंगा मैं। तो दूसरा है यहाँ पर इसका राइट आंसर, बालक के उत्तरदायित्व की भावना का विकास पर, किसे देना चाहिए? बालक के उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। इज दैट क्लियर? आगे मैं आपको रख लूं, बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? नोट डाउन करना, अगर आपने ये वीडियो देखा होता मेरा पहला डिस्क्रिप्शन वाला, तो शायद इसके सारे आंसर आप लोग खुद ब खुद दे रहे होते हैं। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन लूंगा मैं, बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? तो आपको बता दूं, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसके द्वारा जो है प्रत्येक बालक को पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जा सकता है, ये कहीं तक गलत है। जो प्रत्येक बालक है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है, बालक जो होता है शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, वहाँ हर एक बालक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसको अधिगम शैली के अनुसार पढ़ाना होता है, जिससे बालक का विकास हो सके और वो समाज के लिए या अपनी जो समस्याएं हैं समाज में वो हल करने के काबिल बन सके। आगे मैं चलूं 19, बाल केंद्रित शिक्षा को में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किस जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा को कहाँ लाना है, आपको व्यवहार में लाना है। तो शिक्षक को क्या मालूम होना चाहिए, क्या जानकारी होना चाहिए टीचर होने के नाते, तो बता दीजिए आप लोग टीचर बनने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको रख लेता हूँ, 4th वाला राइट आंसर होगा, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधार, आवश्यकताएं, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यताएं, व्यक्तित्व इत्यादि की विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा या शिक्षा को सफल बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों को पहचानना चाहिए, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसकी रुचियां क्या है, उसकी योग्यता क्या है, या वो किस तरह सीखना पसंद करता है, तब आप एक बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार रूप में ला सकते हैं। आगे मैं चलूंगा यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रणाली की मैं बात करूंगा। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पारंपरिक, प्रगतिशील, वैदिक शिक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर प्रोजेक्ट प्रणाली के बारे में आपको पता ना हो तो एक मेरा वीडियो देखना, बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है डिस्क्रिप्शन के साथ, उसे आप देख ले तो सारा डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगा। मैं बता दूं यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रणाली जो होती है उसमें प्रगतिशील शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। इज दैट क्लियर? 21वें नंबर का क्वेश्चन रख लेता हूँ आपको मैं, बाल केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 21 नंबर का काफी बड़ा क्वेश्चन, ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। यहाँ पर आंसर जो होगा 4th वाला होगा, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोविज्ञान आधार को स्थापित करता है, ये राइट आंसर होगा। 22वें नंबर का क्वेश्चन हम लेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के किन तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है? बताइए यहाँ पर, यहाँ प्रगतिशील शिक्षा में किन तत्वों को आवश्यक माना गया है? रुचि और प्रयास को, आवश्यकता एवं अभिप्रेरण को, व्यक्तित्व विभिन्नताओं की रुचि को, या इनमें से कोई नहीं? 22वें नंबर का क्वेश्चन लूंगा मैं, तो यहाँ रुचि और प्रयास को यहाँ पर विशेष महत्व दिया गया है जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें। नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए पहला कथन हम लेंगे यहाँ पर, तो क्या भारत की 6 से 14 वर्ष वर्ग वाले सभी बच्चों को मुफ्त और आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, दूसरा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों में किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना ही तो उन्हें शुल्क अथवा खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जाएगा, तीसरा अगर हम देखें यदि 6 वर्ष से अधिक आयु
का कोई भी बच्चा इन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं आ पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश मिलेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे किसी की आयु ज़्यादा हो गई है और वो किसी कारण से इन कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले पाया था, तो उसे उसकी आयु के अनुसार प्रमोट कर देते हैं, बड़ी कक्षाएं दे देते हैं उसे। तो ये कहीं ना कहीं जो चौथा आंसर है, सभी आंसर सही है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप खुद ही बता देंगे ये। तो आगे मैं आपको रख लूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, 24वें नंबर का क्वेश्चन। खालिस्तान के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और खालिस्तान बनाने पर जोर दिया जा रहा है, तो कौन सी शिक्षा है वो? तो आंसर होगा इसका प्रगतिशील शिक्षा और सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का क्या मतलब होता है? जो सभी के लिए होता है, ठीक है, याद हो जाएगा सार्वभौमिक का मतलब। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 25। अगर मैं यहां देखूं तो प्रगतिशील शिक्षा छात्र की विशेष महत्व है शिक्षक का नहीं, ये कथन जो है यहाँ पर गलत है। दोनों का ही उसमें विशेष महत्व होता है। बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका उल्लेखनीय है? किसकी है बताइए आप? तो वो गिज्जू भाई की है। ये भी आपको मैंने बताया था कि बाल केंद्रित कहाँ से, गिज्जू भाई जो है ये मारिया मोंटेसरी जो थी उनकी जो शिक्षण पद्धति से बहुत प्रभावित हुए थे और जो भी कुछ किया है उसके बाद ही किया है इनने, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लें। खालिस्तान शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा को विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जा रहा है, तो वो है बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा जो है ये कुछ पिछड़े हुए या मंद बुद्धि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का एक विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास कर रही है, वो है बाल केंद्रित शिक्षा, रिमेंबर दैट। और बता दूं आपको, अभी तक आपने बाल विकास के सिलेबस के आधार पे 5 टॉपिक नहीं देखे हुए हैं तो पूरे 5 टॉपिक देखिए, उससे 10 से 15 वीडियोस होंगे। पहले मैं टॉपिक का डिस्क्रिप्शन देता हूं, उसके बाद उसके एमसीक्यूज पढ़ाता हूं। ये यहां का रूल्स है चैनल का अपना, तो इसमें तैयारी भी अच्छी खासी हो जाती है आपकी। चलिए मिलते हैं यहाँ पे 7वां जो टॉपिक है उसके साथ, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। क्या आपको इस टॉपिक का इंतजार है? अगर इंतजार है इस टॉपिक का, देखना चाहते हैं इस वीडियो को आप, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें। आपके जब सुझाव हमें मिलते हैं तो हमारा मोटिवेशन और भी बढ़ जाता है काम करने की, जो मोटिवेट हम हो जाते हैं और भी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए ला पाते हैं। और एक जल्दी जल्दी छोटी सी, आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम भी दूसरों की मदद करें ताकि हमारी भी मदद हो सके। ठीक है, तो इसीलिए सभी लोग जो भी दिख रहे हैं उन लोग इसे व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।